हेलो एंड वेलकम बैक टू द अल्टरनेट व्यू विद मी योर होस्ट जेमी ऑल्टर, साथ में माय वाइफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेहा भारद्वाज। ऑल्टर बहुत बार आ चुकी है, शायद ये उनका 18वां शो है यहाँ पे आज। थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम। आज आपका इतना बिजी स्केड्यूल नहीं था ऑफिस में, तो आप जुड़ चुकी हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एंड योर्स टू मेहा। एनी व्यूज फॉर आर रिटर्निंग, एनी कॉमेंट्स फॉर रिटर्निंग व्यूअर्स? जी बहुत खुश हूँ मैं। अरे ये पीछे कौन बैठा हुआ है मेरे, क्या आप लोग देख सकते हैं? ये जेमी ऑल्टर वर्सेस जेमी ऑल्टर है। नो आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक। व्हाई? बिकॉज आई लाइक दिस शो मोर सो बिकॉज ऑफ इट्स कैजुअल वे इन विच वी कैन टॉक अबाउट क्रिकेट। जो मैं नॉर्मली टीवी चैनल में करती हूँ इट्स मोर फॉर्मल, मोर सैनिटाइज्ड वर्जन। ये भी सैनिटाइज्ड है पर इसमें मैं थोड़ा सा खुल के अपने ओपिनियंस दे सकती हूँ, सो दैट्स व्हाई आई लाइक इट। सामने आपके हस्बैंड भी तो बैठे हैं, तो ये अच्छी बात है। हम बात कर रहे हैं T20 सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। कल द फर्स्ट मैच इन साउथहैम्पटन व्हिच इंडिया वन बाय 50 रन्स, अ विन। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट सी कमिंग सो इजीली फॉर इंडिया। आई विल गेट मेहा'स व्यूज ऑन दिस एंड देन वी'ल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मैच टुमारो। 4 दिन के अंदर दोस्तों 3 मैचेस हैं और जैसे ही शो खत्म होने वाला है वी आर गोइंग टू सेग वेरी ब्रीफली इनटू इंडियाज वन डे स्क्वाड फॉर द अपकमिंग टूर ऑफ द वेस्ट इंडीज। बट लेट्स गेट राइट इनटू द शो। मेहा, इट्स मिशन T20 वर्ल्ड कप। द मोमेंट द आईपीएल एंडेड वी हैव ऑल टॉक्ड अबाउट दिस ऑन सेवरल प्लेटफॉर्म्स। एवरी T20 दैट इंडिया प्लेज बिटवीन द आईपीएल एंड लीडिंग अप टू द स्क्वाड अनाउंसमेंट इज अबाउट गेटिंग द राइट कॉम्बिनेशन, राइट परम्यूटेशन फॉर द T20 वर्ल्ड कप। Following on from the South Africa series, which was level 2-2 at home, we've talked a lot about that. We've talked about Ireland tour. This match, how surprised are you by the, first of all, the margin of victory? Or are you surprised at all? You know, I'm not surprised. One, because a lot of these players have played in Ireland. They know the conditions. They're playing as a team as well. Rohit Sharma, you know, an addition to the squad, which is needed. But overall, aap dekhiye Deepak Hooda. को तो जिस तरह के फॉर्म में है वो इस वक्त, आई डोंट सी हिम बीइंग ड्रॉप्ड। अगर आपने एक अभी सेंचुरी मारी है T20 क्रिकेट में तो आप उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हो? उनकी बेस्ट स्ट्राइक रेट रही हुई, अगर आप 2022 में कंपेयर करें T20s में, तो दीपक हुडा हैज द बेस्ट स्ट्राइक रेट, ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स। और इंडिया का मिडिल ऑर्डर में जो हमें एक जरूरत है कि अग्रेसिव मिडिल ऑर्डर रहे, क्योंकि आपके ओपनर्स में भी आप देख सकते हैं कि हालांकि रोहित शर्मा बहुत कोशिश कर रहे हैं उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलने की जो बिल्कुल आउट एंड आउट अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, पर वो क्या कर सकते हैं, कितना कर पाएंगे वो सब अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से ये टीम बहुत ही अच्छी है। और जेमी, इसीलिए हम दोनों ये भी डिस्कस कर रहे थे ना कि भाई अब T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर प्लेइंग 11 डिसाइड करने तो किसको करेंगे। एंड हैट्स ऑफ टू IPL फॉर दिस इज वेल, क्योंकि ये IPL से ही इतने सारे प्लेयर्स अभी निकल के आए हैं जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी है वहाँ पे IPL में। तो अभी बहुत मुश्किल है सिलेक्टर्स के लिए, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो है ही, पर उसी के साथ थैंकलेस जॉब है सिलेक्शन का। अगर कोई नहीं चलता है तो यू नो व्हाई हैव यू गॉट हिम, अगर चल जाता है तो व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। बट ऑल इन ऑल आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड विद द मार्जिन ऑफ द विन, बिकॉज इंग्लैंड हैड has a very good batting lineup. सारे ऐसे धमाकेदार बल्लेबाज हैं, आप देख लीजिए जॉस बटलर, डेविड मिलान, लियम लिविंगस्टोन, मतलब इनकी पूरी लिस्ट ऐसी है ना कि मुझे लग रहा था कि इतना तो थोड़ा बहुत तो आगे तक पर चल पाएंगे, पर उसके बाद आप देखिए इंडियन बॉलिंग इतनी शानदार थी, हार्दिक पांड्या जिंदाबाद, तो जीते आएंगे उन पे आएंगे। अच्छी बात है, you started by talking about Deepak Hooda, जो यहाँ आपके log screens में इनका photo लगाया मैंने। इसी के साथ as always मैं एक poll लगाना चाहूँगा, बहुत सारे polls हैं। I'm gonna put out the first poll because you have brought up the topic of Deepak Hooda. The question is who should bat at number 3? Viewers, दर्शकों, ये आपके log screen पे ये poll आपके लिए। I give you 2 options, Deepak Hooda और Virat Kohli. Why? Because like Meha just said, Deepak Hooda form में आए थे, उन्होंने Ireland के के सामने इन द सेकंड मैच ही गॉट 100, जस्ट द फोर्थ इंडियन बैट्समैन टू गेट 100 इन T20s एंड द एक्सटेंशन ऑफ दैट इनिंग्स में हमने कल देखा था, कल के साउथहैम्पटन T20 में उन्होंने आते ही 2 बॉलों पे विकेट टेकर मोइन अली को बाउंड्री पार किया एंड दैट अग्रेशन वाज लगभग मेंटेन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ हिज स्टे।
ही डिड नॉट गेट अ बिग इनिंग्स। यहाँ पे पोल के व्यूअर्स हैं, 100% हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं विराट कोहली। चलिए मैं आपकी बात से एक हद तक सहमत हूं, आप में से जो व्यूअर्स ने कहा कि विराट कोहली, आई एम गेसिंग यू फील लाइक विराट कोहली हैज अ लॉट टू गिव, आई रिस्पेक्ट दैट, आई थॉट देयर बी अ फ्यू मोर वोट्स, हुडा नहीं आया, कोई बात नहीं। क्यों हम आज दोस्तों दीपक हुडा के बारे में बात कर रहे हैं, युवा खिलाड़ी है, मेहा ने बिल्कुल सही कहा था, ये आईपीएल के मोमेंटम को लेके उनकी सिलेक्शन हुई इस T20 टीम में। He's got 100, but yes, I was impressed with yesterday's 100 because it came against a far better attack and the intent, the strike rate about 175, 180 was what it was when he got out. उससे पहले मेहा, he was going at 210, 215. That kind of innings, I believe, is what the Indian team needs, keeping in mind the T20 World Cup. Virat Kohli, to my mind, is not giving you in the current form he is, which raised the question, very, very tough question, क्या विराट कोहली इंडिया के बेस्ट T20 टीम फिलहाल उसमें आते हैं? यार, वेरी डिफिकल्ट चॉइस, बट जस्ट ऑन हिज परफॉर्मेंस अलोन नहीं आते हैं। डिफिकल्ट चॉइस है, विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं, वंस इन अ जनरेशन एंड वन ऑफ द बेस्ट एवर टाइप, वो वाले सिचुएशन में आप आ जाते हैं, स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो आप यू आर रियली लुकिंग एट समवन हूज इनक्रेडिबल, बट राइट नाउ कैनॉट get the runs. Also, the kind of aggressive cricket that India is looking to play, I don't know whether Virat Kohli can be part of those plans, because Virat Kohli's game itself, Jamie, is so different. He's not looking to hit big sixes. That's not his game. That's not what he wants his game to be also. So, agar aap us tarah ka brand of cricket khelne ja rahe ho, jisme aapko sirf positive intent dikhani hai, aapki strike rate 150, 160, 200 tak honi chahiye, middle order mein bhi, to mujhe nahi lagta ki wo isme fit hote hain. Aur wo numbers bhi aapko bata rahe hain, main dekh rahi hu batting stats, agar aap dekhen middle overs mein 7-15 in 2022 across all T20s. Virat Kohli ne 10 innings kheli hain, jisme unhone 198 runs banaye hain. एवरेज उनकी 39.6 है, वो तो छोड़िए, स्ट्राइक रेट सबसे कम है जो मिडल ऑर्डर में जितने प्लेयर्स हैं अभी मैं उसमें, जिसमें श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार यादव है, दीपक हुडा है और ऋषभ पंत है, उसमें आप देखिए इनकी स्ट्राइक रेट 115 की है, 115.79 ओनली. सो आई डोंट नो वेदर ही फिट्स इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स राइट नाउ, गोइंग प्योरली बाय करंट फॉर्म परफॉर्मेंस, इट्स डिफिकल्ट. उसमें अगर मैं दूसरों की बता दूं फॉर एवरीबडी एल्स इज, or are you going to come specifically to everybody else, then we can go into it, because Deepak Hooda is right now, I'll come is jo main bilkul to jo main aapki baaton se antar nikal raha hu, jo bahut log ye keh chuke hain, it is now in T20s, in a rapidly changing T20s, it is about the strike rate, right? Ek hota hai volume of runs, I've always mere hisab se meha average is not important in T20, you look at the run scored and at what rate has that run been scored. Virat Kohli, when 2016 was the best year we ever saw Virat Kohli batting in T20s, but that was 6 and 6.5 years ago, right? Ab Virat Kohli, aur main ye dekhta hu ki pichle World Cup mein, because aksar har team ki ek goal hota hai trophies jeetna, to T20 saal mein hum T20 World Cup ko apna lakshya mante chalenge hum. Virat Kohli had a terrible IPL and his strike rate overall, the average has been very good in T20s, like you rightly pointed out during the IPL, but strike rate hovers around that 135 mark, jo ke mere hisab se T20 World Cup mein it's not enough. So going by that basis, the way that Hooda has been striking, chaliye sample size bahut kam hai, lekin 3 T20 match mein wo kar rahe hain jo Virat Kohli, the legend of Indian cricket, jo main manta hu unke paas kafi saal hain, वो स्ट्राइक रेट वो नहीं दे पा रहे. इसी बात पे मैं आऊंगा वापस, मैं एक पोल लगा रहा हूं, क्योंकि विराट कोहली दोस्तों ये वापस आ चुके हैं टीम में, सेकंड और थर्ड ओडीआई में, T20 में विराट कोहली इज बैक. अ पोल फॉर आवर व्यूअर्स, डज विराट कोहली मेक इंडियाज करंट बेस्ट T20 11? अंटिल द व्यूअर्स गिव देयर व्यूज, मेहा प्लीज गो बैक टू द स्ट्राइक रेट इशू, बिकॉज दैट वेयर आई बिलीव इज व्हाट इट हिंजेस ऑन. पहली बात तो आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू प्रिया शर्मा, शी इज सेंडिंग सच लवली कॉमेंट्स ऑन आर शो. अमित रॉय एज वेल सेइंग जेमी दे आर यू आर देयर फेवरेट क्रिएटर एंड अमित अग्रीज विद यू एज वेल. नो सो कमिंग बैक टू द स्ट्राइक रेट्स इन मिडल ऑर्डर, आप फिर श्रेयस अय्यर की देखिए, 19 इनिंग्स के लिए जेमी 19 इनिंग्स 390 रन, एवरेज 30, स्ट्राइक रेट 136. नाउ श्रेयस अय्यर अगेन हैज बीन प्लेइंग very well in international cricket,
और आईपीएल में ठीक ठाक किया, इस इतना बुरा नहीं किया था, वो अलग बात है कि केकेआर ओवरऑल ही पूरी तरह से चली नहीं टीम, बट ही वाज वन ऑफ देयर रन स्कोरर्स, वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर्स. देन यू कम टू सूर्य कुमार यादव. ही इज प्लेड 12 इनिंग्स, 250 रन, ही एवरेजेस 41, स्ट्राइक रेट इज 138. सो सूर्य कुमार यादव इज द ओनली प्लेयर इन दैट मिडल ऑर्डर after Deepak Hooda, who's striking at 130. Deepak Hooda, of course, is striking at 150. Unka to koi comparison nahi kar pa rahe hain abhi is waqt tak. Par Surya Kumar Yadav is the second best in that. And then Rishabh Pant. Again, another interesting question. Rishabh Pant, when he comes back into the side, where do you put him? Hardik Pandya playing, Dinesh Karthik playing. What are you going to do with Rishabh Pant? Of course, he has to be in the side. He is striking at 125. The same Rishabh Pant who just showed us how to bat in England against that bowling attack in test matches. The Maverick Rishabh Pant is striking at 125.11. So there are questions now about Rishabh Pant as a white ball cricketer. You've raised that question. Kitni baar aapne bola hai ki yaar Rishabh Pant white ball mein kyun nahi chal pa rahe hain? Haan, bolo, 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 bolo. इससे पहले सॉरी, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीपल. प्रिया शर्मा, रोहन सिंह कह रहे विराट कोहली कमबैक करेंगे. हम चाहते हैं कि वो कमबैक करेंगे किसी भी फॉर्मेट में. ऋषभ पंत की आपने बात छेड़ी. अगर आप पिछले शो में आप हमारे साथ जुड़े थे व्यूअर्स, जतिन परांज पे, फॉर्मर इंडिया बैट्समैन और फॉर्मर इंडिया सेलेक्टर, ये उस टाइम के सेलेक्टर थे जब पंत टेस्ट टीम में आए थे. उन्होंने कहा था मुझसे शो के बीच, तो शो के बाद हमने बात करी, मैंने कहा सर आप देख चुके हो ये पंत कहां पे आएंगे. शो पे कहा जतिन परांज पे ने, फिलहाल इंडियन टीम मैनेजमेंट ऋषभ पंत को T20s में गलत जगह पे बैटिंग करा रही है. वो कह रहे हैं वो 4 और 5 के बैट्समैन नहीं है. वो कह रहे हैं कि T20 में ऋषभ पंत शुड बी ओपनिंग, एंड इन हिज वर्ड्स, गिव हिम 120 बॉल्स एंड सी द मैडनेस दैट फॉलोज. और जतिन ने कहा था, जो कि इनका यू नो हिम, यू डन शोज देम, यू मेट हिम, इनका बड़ा अस्ट्यूट दिमाग है गेम पढ़ने में. ही सेज ऋषभ पंत विल हैव अ बेटर सक्सेस रेट इन T20s देन ही विल इन टेस्ट. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था मेरे लिए. अब तक शायद टीम मैनेजमेंट ने, में यहां सेलेक्टर्स ने ऋषभ पंत को एक T20 ओपनर के नजरिया से नहीं देखा. बट क्वेश्चन वहां भी उठता है, रोहित शर्मा अभी हैं आपके कप्तान और ओपनर, फिलहाल ईशान किशन है. व्हेन राहुल, केएल राहुल, वी ऑल फॉरगॉटन अबाउट केएल राहुल, जब वो आएंगे तो किशन बाहर जाएंगे. इज देयर इवन रूम फॉर ऋषभ पंत टू बैट एज एन ओपनर? इट गोज बैक टू दैट, बहुत बड़ा मारा मारी इस बैटिंग 11 में. किसको निकालोगे आप? मैं बताऊं, यू आर आस्किंग मी? रोहित शर्मा. रोहित शर्मा, अब ये बहुत ही एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, रोहित शर्मा नहीं, मैं कह रहा हूं अभी अगर आपको go on. रोहित शर्मा एंड विराट कोहली डू नॉट हैव अ प्लेस इन दिस साइड. मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से सिर्फ T20 वर्ल्ड कप को लक्ष्य रख के आपको दोनों की जगह इस कंपेटिटिव T20 फॉर्मेट में नहीं बनता है. आई टेल यू व्हाई. विराट कोहली, वी ऑल टॉक्ड अबाउट हिज प्रॉब्लम, स्ट्राइकर इज अ प्रॉब्लम. 3 पे आपको चाहिए एक 150 वाला स्ट्राइक रेट पे मारने वाला बल्लेबाज, वो विराट कोहली नहीं है. यस्टरडे रोहित शर्मा का 28/24 off 14 बॉल्स, बट ही इज नॉट गेटिंग, ही इज एट अ टेरेबल आईपीएल. T20 में काफी साल से रोहित शर्मा वो प्रदर्शन नहीं दे पा रहे. अभी आपके पास एक ओपनर और 3 द टू मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन आर स्ट्रगलिंग टू डोमिनेट. आपको T20 वर्ल्ड कप जीतना है. और हमारे व्यूअर्स को याद भी होगा कि 8 महीने पहले UAE में खेला गया T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का कितना बुरा हाल था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज क्रंच मैचेस में नहीं चले. I'm a big fan, they're legends, they have roles to play, but abhi aapko thode younger, thode aggressive batsman chahiye, ye mere hisab se hona chahiye. Hoga nahi, but my view, aap bataiye. Yeah, problem ab ye ho gayi hai Jamie, that I genuinely feel that since Virat Kohli gave up captaincy and with a new coach, I am yet not sure as to who is taking the decisions when it comes to selection, when it comes to players being rested, when it comes to who are the players who should be given an opportunity. Frankly, I do not know who's doing it, because I do not understand why for the ODIs, but that they play against the West Indies,
Do your top players need to be rested? Why does Rohit Sharma need rest? If Rohit Sharma right now needs to, like you're saying, needs to be in a place where he, you know, where everybody can be sure of him as the opener for the Indian side, he needs to play enough, and this team needs to play together as a team to feel like a team. Agar aap saath hi nahi khelloge, to fir aap kaise apna jo combination hai wo decide kar sakte ho. अब मुझे ये बताया जा रहा है कि शिखर धवन, जैसे अभी जब शिखर धवन ओडीआईज में, इनको छोड़ दीजिए, अभी जो टी20s इंडिया खेल रही है इंग्लैंड के खिलाफ, उसको एक तरफ रखते हैं, जब इंडिया जाएगी वेस्ट इंडीज अगली जो सीरीज है ओडीआई में, जिसमें आपने जो आपके चार पांच ऊपर के टॉप के खिलाड़ी उनको रेस्ट दे दिया है, उसमें रोहित शर्मा को रेस्ट दे दिया आपने, विराट कोहली को रेस्ट दे दिया आपने, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे दिया आपने, ऋषभ पंत को रेस्ट दे दिया देयर. So this is the ODI squad, right? Shikhar Dhawan ko aapne captain bana diya. Yes, squad yahan pe aapki. Correct. Usme aapne unhi Ravindra Jadeja ko, the man who quit CSK's captaincy midway and was so impacted by it that some think that he left CSK because of that. Whatever, if the captaincy was taken away, jo bhi hai, jo bhi hua, aapne unko phir se vice captaincy de di. Karna kya chah rahe ho? What are you trying to do? And if, please tell me, that in this ODI series, if Shikhar Dhawan ends up scoring 300, there are three ODIs, what are you going to do then? Are you going to put him in the squad back? Are you going to start thinking of his, you know, and say if he hits it at a very good strike rate, phir aap kya karenge? So I feel like there is, I know that they are trying and testing everybody, but this whole thing of itne sare captains alag alag ho chuke hain, itna inko rest chahiye, ye ho raha hai, wo ho raha hai. Why can't you, from right now till the World Cup, at least the T20s and ODIs play as one team? Usme aap kuch changes karo, but be there. The whole team, itna kya khel liya hai bhai? Agar itna hi, matlab, Rohit Sharma has just come back. Why does he need rest again? Virat Kohli. That right there. I'm sorry to stop you. It's not just me saying it. The former cricketer saying that Virat Kohli, how is he going to come back to form by resting? You want to come back to form and being in the middle by playing your cricket, by, you know, playing as much as you can to come out of that rut. But wo ho hi nahi raha hai. So I really don't know at this point, when you look at this Indian team, who is calling the shots? Who is it? Because there is no captain. So there is no stability at the top. Whenever you think of a vision for a team, there is a captain and a coach. Together, they decide what they want. आपके कप्तान ने अभी तक, जब से कप्तानी ली है, उसमें से उन्होंने सिर्फ दो टेस्ट मैचेस खेले, तीन ODIs खेले, और अब कल की और T20 मिला के 10 T20s खेली हैं. तो आप साथ में हो ही नहीं, तो कैसे आप डिसाइड कर रहे हो? That is the bigger problem right now for me. That is exactly the bigger problem. और majority of the comments here, viewers के से, वो कह रहे हैं आप बिल्कुल सही है, रोहित तो अभी आए थे वापस, बल्कि आपने सही कहा था, रोहित शर्मा has actually missed as much as he's played since becoming full-time captain इस साल की शुरुआत में. मतलब 6 महीने में आप दो सीरीज मिस कर चुके हो, एंड देन चलो यू गॉट कोविड, वो आपके हाथ में नहीं है शायद, आई डोंट नो, व्हाटएवर, लेट्स नॉट गेट टू दैट. बट यू आर, वैसे भी आप इंजरी प्रोन हो, आप 35 साल के हो, आप अक्सर जब पूरे फिटनेस पे हो तब भी आप साल में पूरे सीरीज नहीं खेल पा रहे हो, और यहां भी अभी आपको रेस्ट चाहिए. दिस इज अ T20 वर्ल्ड कप, यू लेट्स नॉट फॉरगेट, में यहां अगले साल 2023 में घरेलू ODI वर्ल्ड कप है, यू शुड बी प्लेइंग एज मच एज यू कैन. देयर्स टू थिंग्स, व्हेन विराट कोहली वाज स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म, पीपल सेड इसको ब्रेक चाहिए. Many said, I remember Irfan Pathan's tweet, abhi hali unhone dobara kiya, you don't come back to form while being rested. To isi mudde pe main uthaunga, Rohit Sharma ko abhi kya zarurat thi rest hone ka, theek hai? Dusri baat, aap ye musical chairs kyun khel rahe ho? Shikhar Dhawan dobara captain, last year jab B team gayi Sri Lanka, aapne unhe kaptani di, then he's out of the picture. Aur dusri baat, Hardik Pandya abhi to wapas aaye hain 8 mahine baad, आप उन्हें दोबारा रेस्ट दे रहे हो? दिस मैन इज द आर्ग्यूबली अलोंग विद जॉनी बेयरस्टो मेहा इज द क्रिकेटिंग स्टोरी ऑफ 2022. कि ऐसी जोरदार वापसी हार्दिक पांड्या ने करी आईपीएल में, 140 डाला, गुजरात टाइटंस नई टीम को ट्रॉफी तक लेके गए, इंडिया के कप्तान बने,
सफल कप्तान है और कल के मैच में एक शानदार 50 के बाद 4 विकेट लिए उसी प्लेयर को आप रेस्ट दे रहे हो. सो आई हैव क्वेश्चन, आई एम ऑन द सेम पेज, व्हाई आर रोहित एंड हार्दिक पांड्या बीइंग रेस्टेड? द वर्ल्ड कप इज 4 months अवे. I think Hardik Pandya ka, they just want to take him because he is such a precious commodity. Hardik Pandya itne precious hain, jab wo ball bhi achhi dal rahe hote hain, batting jis tarah ke form mein wo hain, wo itne zyada zaruri hain Indian World Cup ke plans mein, especially jab se comeback kiya. Aur ye wohi Hardik Pandya hai, Jamie, who couldn't keep a place in Indian side 4 months back. Aap ye bhi dekhiye ki hum ye sab baat kar rahe hain. He was not in India's Indian plans, World Cup plans में भी नहीं थे. ये सब IPL में change हुआ है. ये सब IPL के पहले मुझे अभी भी याद है, इनसे सवाल किया था कि भाई will you bowl? And he said, oh, it's a surprise. And we all were making fun of it. What do you mean a surprise? Either you're bowling, you're fit to bowl, or you're not. That means you yourself don't know whether you're going to be able to bowl. So we're talking about Hardik Pandya, who's prone to injuries. I get it. But having said that, injury है, problem है. Having said that, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप किस प्लानिंग के साथ आप जा रहे हो. क्या आपने ऋषभ पंत को कप्तान बना, आपने शिखर धवन को कप्तान बना दिया. एंड ही इज योर नो डाउट ओडीआईज में उनका बहुत अच्छा फॉर्म रहा है, पर क्या आप ये कह रहे हो कि आप शिखर धवन को ओडीआईज, जब अगला वर्ल्ड कप है जो कि अगले साल है इंडिया में, उसमें आप शिखर धवन को खिलाओगे? आप उनको अपने प्लान, बिकॉज एज इज अ प्रॉब्लम देयर, आप उनको खिलाओगे? Is he in your future? I'm just saying. These are just things I'm throwing out there. ठीक है? Sure. तो मुझे लगता है वो सब ना, I don't know how they are deciding. मेरे हिसाब से तो इस वक्त आपको ODIs भी खेलनी चाहिए. The same team that you want to try for T20 World Cup, जो आपके main core group है, उनको ODIs भी खेलनी चाहिए साथ में. भाई जाओ खेलो. What you're saying is the need in a World Cup year to keep the core of the white ball players. Because ज़्यादा अंतर नहीं है ODI और T20 team में. It's predominantly 90%. आप कह रहे हो जब core वही है तो core को साथ रखो. This is not the time to be rest. I think, देखियो, I agree with you. Hardik Pandya has to be wrapped in cotton wool given the fact that जब वो टॉप परफॉर्मर है तो इतने इंपैक्टफुल है. यहां पे आपके स्क्रीन पे दोस्तों कल के मैच में कमिंग इन आफ्टर अ कोलैप्स, अ स्ट्राइक रेट ऑफ 154.5 इन अ हाफ सेंचुरी, देन 4 विकेट्स. ये साबित है कि ये बंदा जब इनका दिन है तो ये क्या कर सकते हैं. मैं आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, बट प्रोबब्ली बेटर टू रेस्ट हिम ड्यूरिंग सम होम सीरीज और अगेंस्ट जिम्बाब्वे, राइट, मे बी द एशिया कप. अभी दिस इज, यू नीड टू सी कि एक साथ लगातार वो कितने मैचेस खेल सकते हैं और कितने मोमेंटम रख सकते हैं. इसी बात पे इट्स टाइम फॉर अ पोल फॉर आवर व्यूअर्स हियर. शुड, दिस इज अ स्लाइटली डाइसी वन, शुड हार्दिक पांड्या कैप्टन इंडिया इन T20s? बिकॉज वी हैव सीन के जब इनका मोमेंटम चलता है तो बहुत चलता है. एंड जस्ट गोइंग बैक टू रोहित बीइंग, यस आई नो ही इज वन 13 मैच इन रो जो के रिकॉर्ड है, बट गिवन रोहित इंपोर्टेंस अक्रॉस फॉर्मेट, गिवन द फैक्ट दैट ही इज गोइंग टू बी रेस्ट, इज इट एक्चुअली अ बैड आइडिया टू से रोहित एक काम कर, तू T20 में रहने दे, हमें तुमने अभी 6 महीने पहले दिया कप्तानी, और वाई बर्डन द गाय हु इज ऑलरेडी सो इंपॉर्टेंट टू ऑल 3 फॉर्मेट्स, वाई बर्डन हिम अ T20 कैप्टन? वाई नॉट गिव हार्दिक पांड्या अ चांस? और व्यूअर्स भी कह रहे हैं 100% कह रहे हैं बिल्कुल ही शुड कैप्टन इन T20s. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बट इट्स अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड आर्गुमेंट. यू कांट आर्ग्यू विद इट. अगर इस वक्त आप देखो T20s में, तो आपके सबसे बेस्ट आईपीएल में सबसे बेस्ट कप्तान यही थे जो भी आपने यंगस्टर्स में देखा. भाई ऋषभ पंत डिड लाइक हिज कैप्टनसी, यू नो हु एल्स वाज देयर, श्रेयस अय्यर, बर्डन, जो भी मैंने नए हिसाब से मैं यही है लॉट में, तो वो ही बेस्ट है. तो उस हिसाब से तो इनको मिलनी चाहिए. आई डू फील लाइक इट्स, यू नो, ही इज डन इनफ. पर जेमी फिर बात वहीं पे ही आ जाती है ना कि वर्ल्ड कप, इट्स, आई डोंट नो, यू ऑलवेज यू वरीड अबाउट व्हाट माइट गो रॉन्ग, सो यू वांट टू ऑलवेज गिव इट टू समबडी हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड. वो सारी चीजें आ सकती है, पर वो आई फील उसका एक क्लियर विजन होना चाहिए. वो अभी से शुरू होना चाहिए. अभी से आप हार्दिक पांडे को कप्तानी दे दो T20s की, गोइंग टू द वर्ल्ड कप. दैट इज योर विजन, देन इन योर हेड यू थिंक कि यही है. सो दे ऑल हैव टू सिट डाउन एट, यू नो, एज अ सिलेक्टर्स, द टीम मैनेजमेंट,
एंड दे डिसाइड कि भाई हमें हार्दिक पांड्या इज वी आर सीइंग हिम एज आवर T20 कैप्टन, लेट्स सिट डाउन, लेट्स गिव हिम द अपॉर्चुनिटी, यहाँ से कितना वो कर सकते हैं वो अभी से करो, अभी करेंगे तो आई फील लाइक व्हाई नॉट, बट आई डोंट सी इट हैपनिंग. आई फील लाइक I don't see the stability in this, and I told you before also, Jamie, about how after Virat Kohli gave up the captaincy, that I kind of had this feeling that this is, things are just going to go down for the Indian cricket. Also because you don't, I mean, yep. Even Rohit Sharma, yaar, kitni baar unko bhi injury hoti hai. Har thode thode dinon mein wo test series, koi kuch wo miss karte rehte. Covid chodo, Covid to kis humko sabko ho sakta hai. That is not the thing. But even otherwise, fitness is a problem with him as well. So then you're like constantly playing musical chairs with your captain. Aaj inko bana do is series ke liye. Kal unko bana do, I don't know. It's a very difficult situation right now for Team India. And you're also seeing it in the case of Jadeja, right? He's not part of this series, but he's the vice captain in the one-day squad for South Africa. For West Indies. Could end up being the vice captain for the T20s there as well. That squad is going to be due out any day now. Ye wahi Jadeja hai, jab aapne pehli baar kisi bhi team ne unhe leadership role diya tha, CSK, the guy halfway through, after losing his form, he said, bhai, mujhse nahi ho payega. So there is clearly not any clear pattern coming out ke leadership ke paas kya hai. So nahi. To ab kya hai ye jo mere ko jitna mere sources ne bataya hai ki bhai ab ye ho raha hai ki aap ODIs mein jo 3 ODIs hai usme aap inko rest de dijiye, uske baad jo West Indies ke against hum T20s khelenge usme aapki jo puri proper team hai jo aapki A team hai usme wo sare players available honge. So this is, they are seeing this ODI series as an opportunity to try and test other players. Jo bhi dusre bache hain, jab T20Is aayengi, uske baad India play T20Is against West Indies, right? To uske andar, they will get all the players back. To usme aapke Virat Kohli bhi aa jayenge, Rohit Sharma bhi aa jayenge. Abhi tak halaki wo team announce nahi hui hai, but this is what a source within the BCCI was telling me, that listen, right now the whole idea is that we want to try as many players as possible, give them opportunities and see where it goes. Then during the T20 series, we will get our A team back. Ab dusri baat problem ye bhi ho gayi na, Jamie, ki aapne jo B team apni bheji hai, wo better performance kar rahi hai A team se. Aapke bowlers itna shandar perform kar rahe hain. Bhuvneshwar Kumar, I mean, for us, Bhuvneshwar Kumar was out of the scheme of things for India. He's come back after injury, he's bowling beautifully, IPL mein itni achhi ball dali, uske baad aap dekhiye Bhuvneshwar Kumar ko suddenly unka swing wapis aa gaya, jo gayab ho gaya tha. Josh Butler pehli ball. Ab wo har tarah se swing kar rahe hain. He's got a ball on a string. Matlab Harshdeep Singh debut karte hain aur itna shandar bowling karte hain. Kis pe aate hain? Sahi. Let's move on to the bowlers, because this is the exact discussion jo hum baat kar rahe hain ki bahut mara mari hai batting ke liye. Ab bowling dekhe, Arshdeep Singh ne itni achhi pradarshan kiya for Punjab Kings, not about the wickets but about the control he had in the death overs. Usi bal pe inko pehli bar inko squad mein dala gaya tha. He had to watch from the sidelines, he watched the Ireland series. कल के मैच में डेब्यू में यहाँ पे हमारे लॉक स्क्रीन पे ये दिख सकते हैं, इस युवा लेफ्ट आर्म सीमर ने, ही गॉट 2 विकेट्स, राइट? नाउ ही इज नॉट पार्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड स्क्वाड्स. इसका ये मतलब नहीं है कि अर्शदीप को वापस भेज रहे, हो सके वो रहे हैं क्योंकि अच्छी प्रदर्शन थी, बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, राइट? सो ही प्रोबब्ली इज नंबर 5, नंबर 6. आई एम गोना पुट अ पोल हियर, फॉरसीबली आई सी हिम कंपीटिंग विद उमरान मलिक. सो यहाँ पे हमारे लॉक स्क्रीन पे मैंने पोल लगाया है, अर्शदीप और उमरान. उमरान मलिक 155 plus pace, Arshdeep less pace, but clearly a far more skilled bowler when it comes to the death overs. What do you do with bowlers like this? Because Avesh Khan, mere khayal se inke aage hai. 100% viewers keh rahe hai, Arshdeep, interesting. So keeping in mind the World Cup squad 4 months from now, you mentioned Bhuvneshwar. Kahin na kahin, Bumrah bhi toh wapas aayenge. Harshal Patel ka achha record hai. How do you now start to decide which 5 go to Australia? बताइए,
एक बिल्कुल मैं तो भूल ही गया क्योंकि वो आजकल स्कोप नहीं, वो भी शायद आ सकते हैं, बहुत मुश्किल है बिकॉज दीपक चहर अनलाइक विराट कोहली विल नॉट बी पिक्ड ऑन रेप्यूटेशन, ही विल हैव टू टेक विकेट्स, बट अगेन दैट्स अ सेवंथ फास्ट बॉलर। देखो मुझे ना जेमी, आई जेन्युइनली थिंक आई डू नॉट, ये सारे अच्छे हैं ऑन देयर डे दे विल ऑल, ये तो हमारी इतनी अच्छी डेप्थ है, इतनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलर्स दैट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ अ लाइक द आई फील लाइक जो भी आएगा वो अच्छा करेगा, जिसको भी चांस मिलेगा इसमें से, एंड दे ऑल्सो कॉन्फिडेंस है उनमें। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आजकल इंजरीज भी इतनी होती है, दिस इज गुड फॉर फास्ट बोलर्स, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ फास्ट बोलर्स एंड दे आर ऑल डूइंग वेल, एंड अगेन कर्टसी आईपीएल, सब ये लोग जो मतलब जो अच्छा जिन्होंने अच्छा किया, वर्षदीप ने डेथ ओवर्स में लाइक आई थिंक ही हैड द सेकंड बेस्ट इकोनॉमी इन डेथ ओवर्स इन द आईपीएल, दिस आईपीएल पूरे टूर्नामेंट में इनकी डेथ ओवर्स की इकोनॉमी इतनी शानदार थी, रन दे ही नहीं रहे थे, है ना, कितना डिफिकल्ट है इनकी, कुछ छे ऐसे कुछ की थी, 6.7 की थी, मतलब बहुत कम थी, अंडर 7, या एग्जैक्टली, व्हिच इज फिनोमिनल। दूसरी बात, मुझे आई जेन्युइनली फील इट्स द बॉलिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, लाइक इनमें से ऑन अ गिवन डे इनमें से किसी भी टीम को आप डाल दो टीम में, दे विल गिव यू रिजल्ट्स, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट सी देम अर्निंग, क्योंकि ये सभी अच्छे हैं और ये सब अब आईपीएल खेल खेल के T20 खेल कर के बिल्कुल स्पेशलिस्ट हो गए हैं, सो आई फील लाइक यू ऑन एनी गिवन डे टेक 3 बोलर्स आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, और डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी दैट दे हैव, एक लेफ्ट आर्म सीमर आप ले लो, एक आपका जो न्यू बॉल बॉलर ले लो, एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ले लो, यू आर डन, एंड में सब में ये आई इस वक्त इन सब में वो क्षमता है टू बोल वेल, बैटिंग इज माई बिगेस्ट कंसर्न, सो अर्शदीप ब्रिलियंट, आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट बोलिंग, बट अर्शदीप ब्रिलियंट, इफ ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी इट विल बी वंडरफुल टू सी, बिकॉज ये यार ये वर्क हॉर्स वाले सीन में है, मतलब ये कितना बॉल डालते हैं, इंडियन टीम में इनको अपॉर्चुनिटी मिली, एंड ही इट्स सच अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम कि आप पहली मैच में आप इतना अच्छा करते हो, विच इज आई थिंक एवरी क्रिकेटर्स ड्रीम, सो या कल के बारे में थोड़ा रिवाइंड करते, कल के मैच में यहाँ पे एक मैं पोल लगाऊंगा, बिकॉज आई लाइक दिस डिफरेंट काइंड ऑफ बैटिंग वाइब यस्टरडे, तो लॉक स्क्रीन पे व्यूअर्स के लिए ये पोल है, आर यू इम्प्रेस्ड बाय इंडियाज बैटिंग अप्रोच, सवाल ये था, हमने इसका जिक्र किया था शो के शुरुआत में, रोहित शर्मा, यस ही लुक्ड अ बिट बेटर देन ही नॉर्मली हैज बीन दिस ईयर, बट ही गॉट अ गुड बॉल एंड अ फैंटास्टिक कैच बाय जॉस बटलर, ईशान किशन अनदर वन, बट द वे द दीपक हुड्डा नंबर 3, सूर्यकुमार यादव नंबर 4, हार्दिक पांड्या 5, इवन कीपिंग दिनेश कार्तिक राइट टिल द एंड, यू नो दिस अप्रोच है भाई, जो भी आएगा जल्दी करके 150-180 की स्ट्राइक रेट मारो, ये मेरे लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग था, मैंने ट्वीट भी किया इसके लिए कि दीपक हुड्डा का कल का इनिंग्स वो 35 जो भी था, बड़ा स्कोर नहीं था, बट दिस इज द वे अ नंबर 3 शुड बी बैटिंग इन T20s। योर टेक ऑन व्हाट वी सॉ यस्टरडे, आई एम आस्किंग यू मेया, बिकॉज यू आर सेइंग यार इनको 200 चाहिए, 198 तक पहुंचे, बॉलिंग ने मैच जिताया था, बट दिस एनर्जी अबाउट द बैटिंग, मैं बहुत खुश था इसको लेके। Absolutely. Like I said, अगर आपकी बोलिंग इतनी अच्छी है तो अगर आप इस तरह का टारगेट देते हैं जेमी, इवन अगेंस्ट अ टीम लाइक इंग्लैंड हु हैव सच फैंटास्टिक बैटर्स, T20 बैटर्स, यू एक्सपेक्ट योर बोलर्स टू बी एबल टू डू द जॉब, एंड दैट्स द ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे बोलर्स ने वो एक कर दिया है कि हमारी बोलिंग निकाल लेगी, हालांकि टेस्ट मैचेस में अभी क्या हो रहा है, पिछले 3 टेस्ट मैचेस में उसकी बात नहीं करूंगी मैं, 4th इनिंग्स में, बट इन T20s यू नो योर बोलर्स विल डू द जॉब, बट द बैटिंग यू आर राइट, This is also something that I very clearly remember when Rohit Sharma took over as the captain full time. He said, "मैं एक अलग हम एक अलग vision के साथ cricket खेलना चाहते हैं, where players feel secure, but at the same time we want to play a very aggressive brand of cricket." तो ये पहली बार जब से उन्होंने take over किया है, ये हमें देखने को मिला है इस series में. Because I mean, what the last series they played against South Africa. At home, you know, concerns about पहले के 2 matches हार गए against South Africa, फिर वो 2 matches आके इन्होंने level किया, उन 2 matches में भी जो उसमें हारे
एक मेजर पॉइंट जो हर कोई कह रहा था वाज लाइक इतनी डिफेंसिव क्यों है, व्हाई डू दे हैव दिस वेरी टिमिड माइंडसेट. तो वो माइंडसेट से तो इस वक्त हर टीम को, अगर T20 वर्ल्ड कप किसी को जीतना है तो वो माइंडसेट से निकलना होगा कि भैया हमें अपने विकेट्स पावर प्ले में प्रिजर्व करने हैं, हमें पावर प्ले में धीरे धीरे खेलना है. दे विल ऑल कम आउट, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी आएंगे अब वो इस यही सोच के आएंगे कि बस आओ मारो, धमाधम मारो. ये अलग बात है कि अगर आप जिस दिन आपके विकेट्स खुद जाते हैं तो आप क्या करोगे, पर सब मारने के माइंडसेट से उसी तरह की टीम्स बनाएंगे इन दिस वर्ल्ड कप. बहुत व्यूअर्स कह रहे हैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत है. आई एम ग्लैड व्हेन व्यूअर्स एग्री बिकॉज दिस इज, एंड आई एम स्ट्रेसिंग, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप ईयर है और इंडिया का पिछला T20 वर्ल्ड कप इतना खराब था कि आपको बदलाव लाना है. माय पॉइंट इज, मिया, यू कैन नॉट गो इनटू दिस वर्ल्ड कप अ ईयर ऑन फ्रॉम द लास्ट वन विद द सेम काइंड ऑफ मेंटालिटी. ओके, कीपिंग दैट इन माइंड, 5 मिनट्स लेफ्ट ऑन द शो. जल्दी से, अगर कल T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है इंडिया के हिसाब से, 11 कौन सा होना चाहिए था? Okay, we'll do together. I'll say one name, you say one name, and we'll get, because we only have 5 minutes left. First name. KL Rahul. KL Rahul, okay. Das aur karne. हाँ, KL Rahul. Okay, you're going with Rohit Sharma. ठीक है, ठीक है. KL Rahul, ठीक है. Rohit Sharma, Deepak Hooda. No Kohli, okay, okay. Rishabh Pant. I wouldn't have had Rishabh Pant before the test series. It's very weird, but I wouldn't have had him before the test series. After the test series, I feel like his confidence is back. So Rishabh Pant, five, Hardik Pandya, six, Dinesh Karthik. No, Surya Kumar Yadav? Oh, yes, Karthik. Surya Kumar Yadav bhi toh hai, bhai. Char number pe Surya Kumar Yadav. Panch. सिक्स पे ऋषभ पंत, सिक्स पे ऋषभ पंत, टोटल सिक्स पर, ठीक है, कोई बात नहीं. सात पे डीके, ओके ओके, हर्षल पटेल. आपके चार बोल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, दैट्स टू सीमर्स प्लस हार्दिक पांड्या, ओके, बुमराह, फोर सीमर्स नाउ with Pandya and included, and Yuzvendra Chahal. 10, ek aapka reh gaya, ek kahan pe reh gaya, Jadeja reh gaya hoga, just Jadeja walk back into the team. No, he can't. Main batata hu, main jaise ki maine kaha tha, main आज के, अगर कल वर्ल्ड कप होता, मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को नहीं खिलाता. मेरे ओपनर्स होते केएल राहुल, लेफ्ट फील्ड पिक जो नहीं होगा, मैं ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत 4, 5, 6 पे नहीं फिट होते हैं. मैं पंत से ओपनिंग कराता, 3 पे हुडा, 4 पे सूर्य कुमार, 5 पे हार्दिक पांड्या, 6 पे डीके, 7 पे आई वुड स्टिल गो फॉर जडेजा, 7 पे जडेजा, 8 पे हर्षल पटेल, 9 पे भुवनेश्वर, 10 पे आपके बुमराह और 11 पे चहल. डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आई वुड ड्रॉप अ स्पिनर एंड आई ब्रिंग इन अर्शदीप सिंह. व्यूअर्स, आप भी बताइए आपके 11 क्या क्या है. अगेन, इन माय 11, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बेस्ड ऑन करंट बैटिंग फॉर्म. सो आई वुड पुट सूर्य कुमार यादव, नो आई हैव नॉट पुट सूर्य कुमार यादव इन माय टीम. आई वुड पुट हिम इन द मिडिल ऑर्डर एंड देन आई विल हैव माय टीम. बिल्कुल सही. But then, yeah, your Hardik is batting so low down. Dinesh Karthik, anyway. क्या कर सकते हैं? नहीं, Hardik Pandya आपके 5 पे आ रहे हैं. Hardik Pandya 5 पे आ रहे हैं. Dinesh Karthik 8 पे, 7 पे आ रहे हैं ना? नहीं, फिर Dinesh Karthik 6 पे आएंगे, जडेजा 7 पे आएंगे, हर्षल पटेल 8 पे आएंगे, भुवनेश्वर 9 पे आएंगे, बुमराह 10 पे आएंगे, चहल 11 पे आएंगे. आपके पास लेग स्पिनर है, आपके पास होल्डिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जडेजा छक्के लगा सकते हैं. दैट टू माय माइंड इज द बेस्ट 11 इफ द T20 वर्ल्ड कप वाज स्टार्टिंग टुमारो. ये मेरी राय है. होगा नहीं ऐसा. हम लोग And he bats at number 7. Just like yesterday's match, they wanted a left-hander. They kept DK down. They sent Akshar Patel. Akshar Patel is only playing because Jadeja's not around. When he comes in, out goes Akshar Patel. They seem to value the left-arm spinner. Akshar har match khel chuke.
अक्षर मेहा अक्षर पिछले 7 T20 खेल चुके हैं जब जड्डू नहीं है. दैट मीन्स जडेजा विल प्ले. करेक्ट. एंड हु इज योर कैप्टन? हार्दिक. हाँ हार्दिक पांड्या बिल्कुल बेशक ऑन द करंट मोमेंटम ही ब्रिंग्स द टीम. मे अनफॉर्चुनेटली वी टोटली रन आउट ऑफ टाइम. 4:45 हो चुके हैं. थैंक यू फॉर योर टाइम. लवली डिस्कशन. आई थिंक आवर व्यूअर्स हैव टोटली एंजॉयड इट. थैंक यू फॉर योर कमेंट्स. विश यू ऑल अ ग्रेट वीकेंड. आई विल सी यू मंडे सेम टाइम विद जर्नलिस्ट हरित जोशी फ्रॉम मिड डे टॉकिंग अबाउट द T20 सीरीज. मेहा हैव अ गुड वीकेंड. व्यूअर्स हैव अ गुड वीकेंड. बाय. हैव फन. हैव अ गुड वीकेंड. बाय एवरीवन.